हाय एवरीवन दिस इज़ अभिनव बर्नवाल फ्रॉम आईआईटी दिल्ली आज मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो शायद हम सभी ढूंढते हैं और बहुत यूजफुल है कई बार प्रिपरेशन के दौरान हमारे सामने डिस्क्रिपेंसीज आती हैं मतलब हमने कुछ पढ़ा फिर उसका उल्टा हमने कहीं और पढ़ लिया और ये अक्सर होता है स्पेशली इन केमिस्ट्री कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनमें डिस्क्रिपेंसीज अराइज होती हैं तेन इन सच केसेस वॉट इज़ अवर प्रेफरेंस इज एन सी आर टी वी रेफर एन सी आर टी ओवर एनी अदर सोर्स ऑफ स्टडी बिकॉज अगर कहीं एग्जाम में ऐसी डिस्ट्रीपेंसी आती है स्पेशली इन जई मेन्स एन एडवास सो दैट आई कैन चैलेंज विद एन सी आर टी ऑल्सो देर आर सम अदर बुक्स हायर बुक्स सच एज जे डी ली एंड ऑल दैट वेर यू कैन विच यू कैन यूज टू चैलेंज द क्वेश्चन इन एग्जाम्स बट दे डोंट डिफाइन द सिलेबस एन सी आर टी इज ऑल्सो यूज टू डिफाइन द सिलेबस ऑफ एनी पर्टिकुलर टॉपिक मे बी बीट इन केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स बट यह एक ऐसा टॉपिक है केमिस्ट्री में वेयर विच इज़ नॉट देर इन एन सी आर टी टेक्सट बुक इट इज़ सॉल्ट एसिस विच वी ऑल्सो कॉल क्वालिटेटिव सिस्टमैटिक क्वालिटेटिव एनालिसिस विच वी ओनली डू इन प्रैक्टिकल्स सो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जे मेन्म्स एंड एडवांस उससे काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं सो वॉट इज द प्रॉब्लम कि हम हमें नोट्स मिल जाते हैं टीचर्स से वी रिफर दो And we have other books, but the problem is we cannot use the notes to challenge the questions because they are not the reference. And the second problem is the books which we refer, they don't define the syllabus. So, I am going to give you a very authentic source. Actually, the salt analysis is there in NCRT, but it's hidden from all of our eyes. Uh, it is there in NCERT lab manual. So go to Google and search for NCERT lab laboratory manual for class 12th And there you will find out, you will have a, a tabs. You'll, when you click on the first tab, you will find out the lab manuals of NCERT. There are many topics in chemistry which are there in the syllabus. If you check J main syllabus, you will find many other topics like titration and chromatography uh, and quantitative and qualitative analysis both. So these things are there in Jmail Syllabus, which are not there in the textbook, but they are there in NCRT lab manual. So while preparing, do read the NCRT lab manual as well. You can get the PDF from the online uh, website of NCRT and read it. So this is for today. Hope it helps you and you get rid of the problem of finding the authentic source for salt analysis. Thank you.